हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। बिना टाइम 10 हो रहा है और मैंने कुछ काम नहीं किया है। मैंने बस 3 वीडियो एडिट किए हैं, एक सुबह मेरा वाला और मैंने सुबह सुबह उठ के एक वीडियो भी शूट किया है, वो वाला एडिट किया है, महादेव का एक वीडियो एडिट किया है। बस इतना ही काम किया है और कुछ नहीं। मुझे अभी मुझे झाड़ू लगाने, पूरे घर को कपड़े धोने हैं, बेसिक जो काम होते हैं ना वो करने हैं। पहले मैं नाखून कट करूँगी आज और सारा कुछ अभी समेट लेती हूँ। गाइस, मैं अभी नाखून कट करने लगी हूँ और ना मेरी मोबाइल की बैटरी बहुत डाउन है, मतलब कितनी परसेंट है मैं बताऊँ आपको, 1% है और लाइट भी चली गई है। पता नहीं, मैं आपसे बात बात करते करते ना ये मोबाइल बंद भी हो सकता है, तो जल्दी जल्दी बात करती हूँ। तो मैं बता रही थी आपको, अगर आपको पता नहीं तो हमारा जो वीडियोस है ना वो सुबह के 8 बजे आते हैं। ये थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि सुबह सुबह माध्यम स्कूल जाता है ना, तो उसका काम करते करते, घर का काम करते करते अगर मुझे थोड़ा सा लेट होता है तो मैं 8:30 बजे तक वीडियो आ जाती है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन होता है ना वो ऑन कीजिए, तो ताकि आपको पता चले हमारा वीडियो कब आता है तो आप देख सकते हैं। और एक बात मैंने देखी है कि आप सारे लोग ना वीडियोस देखते हैं पर हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। आप जब भी आप वीडियो देखो ना तो आपको ऐसे वो लाइक बटन होता है ना, देखो इस तरह का, उसके ऊपर क्लिक करना है, तो उससे मुझे थोड़ी मदद मिलती है। जैसे आप क्लिक करते हो तो भी वो वीडियो ना आगे लोगों को भेज देता है, तो प्लीज़ आप जब भी हमारा वीडियो देखो वीडियो को लाइक करो और हो सके तो हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लो जी, करंट भी आ गया और अब मोबाइल चार्ज होगा और मैं आपसे बात कर पाऊँगी। हाँ, क्या बोल रही थी मैं, हो सके तो हमारा वीडियो ना अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक कमेंट भी ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आगे के आने वाले वीडियो वैसे प्लान करूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं। हाँ, आजकल मैं ना थोड़ा ट्रैवलिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मारे को छुट्टी वगैरह मिलेगी तब हम लोग ट्रैवल करेंगे। उसको अभी छुट्टियाँ नहीं है तो हम लोग अभी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। जब भी उसको छुट्टी मिलेगी, मतलब अभी आने वाली है ना दिवाली की छुट्टियाँ, तब हम लोग ट्रैवल करेंगे, तब आप लोग हमारे थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस देखेंगे। और एक बात, जो मेरे कोंकणी ऑडियंस है ना वो लोग सोचेंगे कि मैंने सडनली हिंदी में वीडियो क्यों स्टार्ट किया, जब पहले पूरा वीडियो कोंकणी में बनाती थी अब सडनली हिंदी में क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे जो प्यारे से हिंदी ऑडियंस है ना उनको कोंकणी समझ में नहीं आती है। मैंने डिसीजन लिया कि मैं दोनों भाषाओं में बात करूँगी ताकि आप तक मेरे वीडियोस पहुँच जाए। तो इस यही वजह है कि मैं दोनों भाषाओं में बात करती हूँ, समझ में आया? और मेरे हिंदी ऑडियंस है ना, आप मुझे बताइएगा आपको गोवा के कौन कौन से डिशेस पसंद है जो कि मैं आपको बना के दिखा सकूं हमारे गांव में वो कैसे बनते हैं। ओके, एक्सेप्ट बीफ, पोक, चिकन। ओके, इसकी मैं रेसिपी आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये हमारे घर पे नहीं बनता है इसी वजह से। ओके, तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर बता दिया है अभी। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। और आज से मैंने और महादेव ने हेल्थ चैलेंज लिया है कि हम लोग ना बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, महीने में एक ही बार खाएंगे ताकि हम लोग फिट रह सके और हम लोगों का प्रोटीन और फाइबर इंटेक ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम हो। मैंने जो वीडियो शूट किया है ना वो उसी के बारे में है। मैंने एक हेल्थी सा ब्रेकफास्ट भी ना बनाया था विदाउट यूजिंग गैस, तो वो आप देख लेना और कमेंट सेक्शन में बताना आपने इस तरीके से कभी करके खाया कि नहीं। अभी मेरा ना नाखून भी कट हो गया, अब मैं इसको फेंकूंगी और तो आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ओके,
A few moments later. सो गाइस अभी 12 बज रहे हैं और मैंने ना यहाँ पे राइस करने के लिए रखा है. मैंने छोटा सा पतीला इसलिए रखा है क्योंकि आज माध्यम लंच के लिए नहीं आएगा. उसका जो प्रोग्राम फ्राइडे होने वाला था ना वो नहीं हुआ, वो आज है मंडे को. तो मैं अपने लिए थोड़ा सा राइस बना रही हूँ इतू सा, और मेरे पास करी पड़ी है वो मैं अभी उससे लंच करूँगी और उसके बाद माध्यम को कॉल करूँगी मुझे लेने आओ ताकि मैं ट्यूशन जा सकूँ. Much, much, much later. गाइस सो झाले. हाँ आता ट्यूशन काबर गेलं ना आणि पाऊस पडपा लागला. रेनकोट घेईन असं नाही, माझ्या आता रेनकोट घेऊन येलीस मला. आता पडपा लागला 5 असं. सो गाईस आता 11 झाले आणि हा विसरलं तुमचा काय सांग. पायाची अपडेट तुम दिली ना, पाय पायाचे बोट कसे असते. आता पहिल्यानं पुरा सारखे ब्लू झाले असा. एक्सप्लेन करशी पहिले तुम दाखयता. पया कितले ब्लू झाले अशी दिसता. पेनाची इंक असती भितर घातली म्हणून फुल्ल या बोटा आस पहिले स्प्रेड झाला. खबर ना ते इन कमिंग डेज ते बोटाचे नाकूट असा न्हू ते उरतले का ना. ते मे बी ते रक्ता लागून ते वचपा बी शकता. पया जो होगा अच्छे के लिए होगा. गाइस आप में से सभी लोग मेरे रेगुलर वीडियोस के व्यूवर्स हैं. आपने देखा होगा कल 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था आपसे कि आपको हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ जैसे कि डेली व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स, कुकिंग जो हमारे गोवा में बनता है वो सारा आपको मैं दिखाती हूँ, वो इनमें से आपको कौन कौन से पसंद है या फिर आपको जो भी मैं डालती हूँ वो पसंद है. तो आप सबको धन्यवाद, आप लोगों ने उस पर वोट किया है. कम्युनिटी पोस्ट देखा और मैंने पाया कि 60% लोगों को ना मैं भी जो भी वीडियोस डालती हूँ वो पसंद आते हैं. उसके बाद उनको पसंद आते हैं कुकिंग वीडियोस, उसके बाद ट्रेवल्स और डेली व्लॉग्स. डेली व्लॉग्स बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं मुझे लगता है क्योंकि आप लोगों को मसाला नहीं मिलता है जो जैसे कि घर घर में लड़ाई होती है वगैरह वगैरह इसी वजह से. क्योंकि जो डेली व्लॉग्स में मैं वो डालती हूँ जो मैं डेली करती हूँ, ओके, जो मेरे लाइफ में होता है वो मैं रिकॉर्ड करके एक मेमोरी रखना चाहती हूँ आने वाले कल के लिए. देखो अभी इतनी मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की होती तो कभी ये मेमोरीज बनते ही नहीं. और मुझे ऐसे देखो हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि हम पिछले 2 दिन में जो भी कुछ हुआ है वो हम लोग भूल जाते हैं. तो जैसे मैं वो अभी देख सकती हूँ तो पिछले 2 दिन में मेरे साथ क्या हुआ था कि अगर आप लोग किसी और को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा उनके घर में बहुत कुछ हो रहा होता है. जैसे आप लोग मुझे वीडियो में देखते हैं ना, अगर आप मुझे कहीं भी मिले ना आप मुझे वैसे ही पाओगे एक सिंपल लड़की की तरह, ओके. मुझे बस ना ट्रेवल करना पसंद है, थोड़ा बहुत खाना जो कि मैंने अभी कम कर लिया है, और कपड़े भी मैं नहीं पड़ती हूँ. मैं अपने आप में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, ना कि 4 लोगों के लफड़े लेके रहना, ओके. मेरे जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे और ये सब कुछ ना आपको एज के साथ पता चलता है कि आपको अपने साथ रहना और अपने आप के साथ रह के भी खुश रहना ये सबसे बड़ी बात होती है. तो इसीलिए शायद लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स थोड़े कम पसंद आते हैं. किसी ने अभी तक कम्युनिटी पोस्ट पे वोट नहीं किया तो आप जाके वोट कीजिएगा तो मुझे और भी क्लियरिटी मिलेगी आपको कौन से वीडियोस ज़्यादा पसंद आते हैं, ओके. तो ये बात मुझे आपसे डिस्कस करनी थी. जो कुछ मेरे दिल में था, जो कुछ मुझे आपसे बताना था वो मैंने बता दिया. जो भी आपसे मैं शेयर करती हूँ ना उसके अलावा मेरे ज़िंदगी में थोड़ी सी पर्सनल लाइफ है मुझे, जो कि मुझे लगता है जब भी हम लोग ऑनलाइन रहते हैं वो पर्सनल होनी चाहिए. जो भी बड़ा कुछ होता है मेरे ज़िंदगी में मैं वो आपको बता ही देती हूँ. तो ये था मेरे और आपके बीच में रैंडम सा टॉक. अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एक सा कमेंट छोड़ देना कमेंट सेक्शन में, और तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you.